पेशाब के बाद धातु का आना आयुर्वेदिक इलाज। संभोग और यौन उत्तेजना के बिना किसी पुरुष में वीर्यपात होने की स्थिति को धातु रोग कहा जाता है। अनैच्छिक रूप से वीर्य निकलना या बहना पुरुषों में एक यौन समस्या है। पेशाब के पहले या बाद धात गिरना ही धातु रोग कहलाता है। कब्ज होने पर मल त्याग के समय मूत्र के साथ वीर्य निकलने लगता है। कई बार सोते समय भी वीर्य निकल सकता है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, विशेष रूप से यौन स्वास्थ्य में इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यह बुरे विचारों, अत्यधिक हाथ के अभ्यास आदि के कारण होता है। धातु रोग के लक्षणों में ऊर्जा की कमी, यौन इच्छा में कमी, कब्ज आदि शामिल है। इस वीडियो में हम आपको पेशाब के बाद धातु आने एवं धातु रोग से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब के बेल आइकॉन को प्रेस करें। पेशाब के बाद धात आने का आयुर्वेदिक इलाज। मूंगफल एवं महारसायन कैप्सूल्स धातु रोग के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार है। यह पुरुषों को पेशाब के दौरान वीर्य के अनैच्छिक स्खलन धातु को रोकने में मदद करता है। पेशाब के दौरान स्खलन को रोकने के लिए मजबूत नसों की आवश्यकता होती है, जो वीर्य को बंद रखती है। यह आयुर्वेदिक उपचार मजबूत तंत्रिकाओं, सक्रिय प्रजनन प्रणाली और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की इष्टतम उपलब्धता प्रदान करता है। यह आयुर्वेदिक उपचार पुरुष के जननांग अंगों की ओर रक्त का प्रवाह अधिक रखता है और पुरुष की शक्ति और पौरुष को बढ़ाने के लिए नसों, ऊतकों और अंगों को पोषण देता है। मूंगफल एवं महारसायन कैप्सूल्स प्रभावी धातु रोग उपचार के साथ साथ कम कामेच्छा, शीघ्र पतन, नपुंसकता और कम वीर्य की मात्रा जैसी समस्याओं का इलाज करते हैं। ताकि पुरुष को उच्च क्षमता और अद्भुत संभोग क्षमता प्राप्त हो, यह आयुर्वेदिक उपचार तंत्रिका कार्यों को उच्च रखकर पूरे पुरुष जननांग क्षेत्र को संवेदनशील रखता है। इससे पेशाब के दौरान स्खलन रुक जाता है। धातु रोग के कारण वीर्य की बार बार हानि प्रोस्टेट ग्रंथि को परेशान करती है, इसमें सूजन आ जाती है। पेशाब के दौरान स्खलन को रोकने के लिए यह उपचार स्वस्थ प्रोस्टेट कार्यों को बढ़ावा देता है और वीर्य की मात्रा बढ़ाता है। यह आयुर्वेदिक उपचार दुर्बलताओं और कमजोरियों को दूर करने के लिए काम करता है और विकारों का इलाज करता है, ताकि पुरुष को असाधारण संभोग क्षमता प्रदान की जा सके। मूंगफल एवं महारसायन कैप्सूल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। घरेलू उपाय। संतुलित आहार। धातु रोग में आहार का काफी प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपको संतुलित आहार सेवन करना चाहिए। संतुलित आहार का सेवन करने से सभी प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर को आसानी से मिल जाते हैं। यह पोषक तत्व धातु रोग और अन्य यौन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। सभी प्रकार की ताजी सब्जियां, फल और खाद्य आहारों का नियमित सेवन करने से धातु रोग की समस्या से छुटकारा मिलता है। शरीर को ठंडा रखें। धातु रोग की समस्याओं का इलाज करने के लिए शरीर को ठंडा रखें।
इसके लिए आप रात को सोने से पहले एक ठंडा स्नान ले सकते हैं। यह आपको फ्रेश रखता है जिससे आपको नींद अच्छी आती है। इसके अलावा सोते समय आप अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, अच्छी वीडियो देखें। इसके अलावा अश्वगंधा और अन्य आयुर्वेदिक औषधियां धातु रोग को ठीक करने में प्रभावी होती है। निष्कर्ष। इन उपायों के साथ यदि आयुर्वेदिक महारसायन एवं नोफॉल कैप्सूल का सेवन किया जाए तो परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अपने दैनिक जीवन में यदि आप घरेलू और आयुर्वेदिक उपायों को एक साथ शामिल करते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। नोफॉल एवं महारसायन कैप्सूल्स में जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, जैसे जड़ी बूटियां, अश्वगंधा, शिलाजीत, स्वर्ण भस्म, यौ भस्म, सफेद मूसली, शतावरी, केसर, मुदारी कंद आदि। यह जड़ी बूटियां पेशाब के बाद धातु आने की समस्या को दूर करने में अत्यंत फायदेमंद है। पेशाब के बाद धातु आने का आयुर्वेदिक इलाज। सौ प्रतिशत प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित, 1,00,000 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, GMP प्रमाणित गुणवत्ता। संपूर्ण भारत में उपलब्ध। Find Nofol and Maharasayan capsules from ayurvedresearchfoundation.in। प्रोडक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सोशल साइट्स पर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें।